किसी लड़की की अगर एंगेजमेंट टूट गई, उसको लगा कि वो लड़का कंपैटिबल नहीं था और उनकी एंगेजमेंट हुई एंड शी डिसाइडेड कि नहीं हो रहा है, तो व्हाट इज रॉन्ग इन इट? व्हाई आर यू ब्लेमिंग हर? व्हाई डू यू थिंक दैट अब इसकी शादी नहीं होगी? ये जनरली ट्रेंड है कि किसी की अगर एंगेजमेंट टूटी है तो ऐसा समझा जाता है कि मे बी इसकी फैमिली में कोई फॉल्ट है या लड़की में कोई फॉल्ट है। लड़के में फॉल्ट है ऐसे कोई नहीं बोलता, लड़की में ही कोई तो भी फॉल्ट था, लड़की का कोई अफेयर था या फिर कुछ तो भी हो गया था। व्हाई मैन? उस इंसान को ऑलरेडी ट्रॉमा है, रादर देन रिस्पेक्टिंग दैट यू आर क्रिएटिंग न्यू ट्रॉमास फॉर हर। या आपकी बेटी पे या आप पे आया तो, और अगर आपकी बेटी नहीं है और फ्यूचर में हुई और उस पे आया तो, सपोर्ट पीपल हु आर गोइंग थ्रू दीज फेजेस, दिस कैन हैपन टू अ बॉय ऑल्सो, सपोर्ट देम। और अगर सपोर्ट नहीं कर सकते हो तो गड्ढे तो मत खोदो यार, लाइफ इज वेरी ब्रूटल एंड कर्मा इज अ बिच। जो आज आप पे हुआ है वो कल किसी और पे भी होगा, और जो आप अभी दूसरों के साथ कर रहे हो वो आप पे भी आ सकता है। सो उससे डरिए, और सिंगल लोगों को या ब्रेकअप हुए लोगों को या डिवोर्स हुए हुए लोगों को फ्रीली रहने दीजिए। व्हाई? बिकॉज उन्होंने कोई बहुत बड़ा क्राइम नहीं करा है।